हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, यानी अगर मेरे पास में किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और उसके आसपास जो वो बहुत सारे चार्ज है तो उसके लिए क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो वो भी आज हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो है वो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कितना होता है उसके बारे में हम जो है स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट आज का पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये आप पहले भी जो है वो इस टाइप के दो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ चुके हो, एक तो आपने पढ़ा था कूलम्स लॉ में और एक आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो ये एक बार फिर आ गया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखो मेरे पास में बहुत सारे चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4 और Qn, और मुझे क्या करना है इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने माना कि इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है R1 है, इससे डिस्टेंस कितनी है R2 है, और इससे डिस्टेंस कितनी है R3 है, और इस तरीके से यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है इनके बीच में R4, और इसी तरीके से इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है कितनी Rn। तो भाई ये क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल, द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। तो जितने भी चार्जेस है सभी के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग रहा है उन सब का हम क्या करेंगे जो है वो एल्जेब्रिक सम करेंगे, वहां से हमें क्या मिल जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा एट पॉइंट पी। सो ये मेरे पास में हो जाएगा वीपी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 से लेके कहां तक Vn तक, क्लियर है। सो वही वैल्यूज रख लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखो क्या आएगा फॉर्मूला, देखो सभी से पहले बात तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, यही तो होता है। तो इसका मतलब K क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा सभी से, यानी K मतलब क्या 1/4πε0, ये सभी से कॉमन आ गया। तो यहाँ अंदर क्या बचेगा देखो Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4 एंड सो ऑन प्लस Qn/Rn। तो इसको मैं जो है वो एक ही लाइन में लिख लेता हूं 1/4πε0 समेशन ऑफ Qi डिवाइडेड बाई Ri वेयर I इज इक्वल टू 1 to n, ये है मेरे पास में फाइनल फॉर्मूला। तो जितने भी चार्जेस हो गए ना सभी के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या करेंगे सम कर देंगे, मान लो तीन है तो तीनों का सम कर देंगे, चार है तो चारों का सम कर देंगे उनके अलग अलग इंडिविजुअल पोटेंशियल को। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखते हैं इसी से रिलेटेड हम जो है वो एक एग्जाम्पल करते हैं और एक ये भी एग्जाम्पल करेंगे। तो लगभग सारे जो है वो न्यूमेरिकल लगभग वही जो वापस रिपीट हो जाते, जैसे हमने किए थे वहां पे ट्राइंगल वाले किए थे, स्क्वायर वाले किए थे, है ना। और हमने ये भी देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कि मान लो दो चार्जेस रखे हैं उनके लाइन जॉइनिंग पॉइंट पे कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होता है, तो सेम यहां पे भी ऐसे ही रहेगा आपके पास में कि दो चार्ज आपको दे रखे होंगे और पूछा जाएगा कि इन दोनों की लाइन जॉइनिंग जो है वो मतलब इन दोनों के लाइन जॉइनिंग में कहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जीरो रहा होगा। सो पहले एक एग्जांपल को करते हैं। तो देखो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल इज आर, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या दे रखा है, अगर मैं इसको यहां से इसे ज्वाइन कर दूं इस तरीके से, देखो इसको भी यहां से मिला लेता हूं, इसको भी यहां से मिला लेता हूं और इसको भी यहां से मिला लेता हूं, तो ये देखो। और आपको क्या दे रखा है रेडियस ऑफ सर्कल कितना आर, तो इसका ये रेडियस है, देखो ये आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, क्लियर। अब आपको देखो सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, आपके पास में कितने चार्जेस है, थ्री चार्जेस है, तो थ्री चार्जेस है, इसका मतलब मेरे पास में हो जाएगा VO इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर मैं इसको चार्ज नंबर 1 दे देता हूं, इसको चार्ज नंबर 2 दे देता हूं, इसको चार्ज नंबर 3 दे देता हूं, अब वही फॉर्मूला KQ/R। सो K V1 के लिए हो जाएगा मेरे पास में Q/R, R मतलब क्या डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है R ही तो है, फिर प्लस फिर आएगा KQ। अच्छा देखो मैंने आपको पहले ही बताया था यहां पे हम जो चार्ज को है वो विद साइन लेंगे, ये ध्यान रखना, और फिर प्लस वही के माइनस 5Q/R। सो VO इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा मेरे पास में KQ/R और फिर माइनस ये कितना हो गया 5 × 3 = 8, सो 8KQ/R, और ये VO इज इक्वल टू यहां से चला जाएगा KQ/R में से माइनस
8 के क्यू बाई आर को माइनस करेंगे तो मेरे पास में आएगा माइनस 7 के क्यू बाई आर। और अगर आपको रेडियस दे रखी हो क्वेश्चन में, यहाँ पे वैल्यू रख लो, चार्ज की वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू रख लो, क्लियर है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 2, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड में किए हैं, तो देखो क्या क्वेश्चन है ये कि द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 4 नैनोकूलम एंड माइनस 3 नैनोकूलम। सो देखो मैं यहाँ पे दो चार्ज ले लेता हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये है मेरे पास में 4 नैनोकूलम, तो नैनोकूलम को चेंज कर देता हूँ 10 की पावर माइनस 9, और इसको भी चेंज कर दिया मैंने 10 की पावर माइनस 9 में। क्लियर है तक? आगे बढ़ते हैं। अब बोला कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी जीरो। अब इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पे कहां इलेक्ट्रिक कहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जीरो होगा। अच्छा एक चीज यहां पे बता दूं, पहली बात तो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, एक वेक्टर क्वांटिटी थी। बट यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जीरो होने के लिए एक चार्ज को प्लस में और एक चार्ज को माइनस में तो होना ही पड़ेगा। आ रही बात समझ में? नहीं तो होगा भी नहीं ना। अगर दोनों ही पॉजिटिव होंगे ऐड हो जाएंगे, दोनों निगेटिव होंगे तब भी ऐड हो जाएंगे, क्लियर। अब बात करते हैं कि कहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है। अच्छा हमने पिछले कुछ क्लासों में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की थी वहां पे हमने जो इलेक्ट्रिक जो क्या बोलते इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने जो जीरो माना था वो कहाँ माना था, छोटे वाले चार्ज के पास में माना था। सेम यहाँ पे भी ऐसी कहानी है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जीरो होना है तो वो या तो कहाँ होगा, इस तरफ हो सकता है या यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। बट अगर बात करो तो इसके इस तरफ तो नहीं हो सकता, बिकॉज क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ तो बहुत ज्यादा रहेगा और बोलेगा कि ये क्या करे अपने पोटेंशियल को इसके बराबर ले आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर इस तरफ बात करें तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ होगा, इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इसके बराबर लेके आ सकता है। आरी बात समझ, बिकॉज यहाँ तो इसका कुछ होगा, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा तो लगभग मानते मतलब ऐसा अपन सोचते हैं, क्लियर। और ऐसा मैंने आपको बताया भी था वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। सो यहाँ पे एक तो यहाँ हो सकता है बीच में कहीं, और एक कहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो दो केस बन सकते हैं इसके, क्लियर। तो पहला तो मैं ये मान रहा हूं कि इसकी यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स डिस्टेंस है। चलो पहले तो दूरी इनके बीच की डिस्टेंस लिख लेते हैं, वो कितनी है, 0.1 मीटर ये वाली, ठीक। अब मैंने माना कि यहां तक यहां जो है वो एक कोई पॉइंट P है, इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। और एक यहां कोई पॉइंट है पी डैश, उस पर क्या है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो रहा है। सो यहां इस चार्ज डिस्टेंस की बात करूं तो वो कितनी है एक्स, और बाकी वाले कितनी हो जाएगी मेरे पास में 0.1 माइनस ये डिस्टेंस यहाँ से, क्लियर है यहाँ तक। अब बात करूं मैं उसके लिए, देखो ये जो मेरे पास में है इस चार्ज से यहाँ के वो मैंने मान ली क्या एक्स डैश, ये दूसरा केस ध्यान रखना। और फिर यहां से बात करूं तो टोटल कितनी एक्स डैश माइनस कितना 0.1, सो एक्स डैश माइनस 0.1 ये डिस्टेंस है इस चार्ज से, क्लियर है यार। तो ये आपके सामने दो केस हो गए, तो चलते हैं अपने पहले सबसे पहले फर्स्ट केस पे। तो फर्स्ट केस मेरे पास में ये है, मुझे जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जीरो करना है, तो मैं क्या करूंगा, Vp इज इक्वल टू जीरो। कितने चार्ज है, दो चार्ज है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में Va प्लस Vb इज इक्वल टू जीरो। इसको A पॉइंट मान लो, इसको B पॉइंट मान लो, क्लियर है। चलो तो ये अब मैं इसको इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा Va इज इक्वल टू माइनस Vb। Va किसके कारण, इस चार्ज के कारण। तो फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर। सो के क्यू कितना दे रखा है, ये दे रखा है मुझे 4 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई आर, या ये डिस्टेंस कितनी है एक्स इज इक्वल टू फिर वही माइनस यहां पे, और फिर ये के, तो के लिए तो मेरे पास में के आ जाएगा, ठीक। क्यू क्यू मेरे पास में कितना है माइनस 3 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई आर, आर ये वाला डिस्टेंस, तो 0.1 माइनस एक्स, बहुत क्लियर है तक। अब देखो ये केस है, ये के कैंसिल आउट, ये 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये हो जाएगा इस तरफ आएगा, तो मेरे पास हो जाएगा कितना 0.4, और फिर इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा मेरे पास में 4x इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, और ये हो जाएगा मेरे पास में कितना 3x। बोलो यहां तक समझ में आ गया, क्लियर।
आगे बढ़ते हैं। अब इसको इस तरह शिफ्ट कर लेता हूं तो मेरे पास में 0.4 इज इक्वल टू 7x, सो x इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाई 7, ये आएगा यहां पर, ठीक है। अब वही इसको डिवाइड कर दो तो देखो डिवाइड करने पे क्या होगा, x इज इक्वल टू, सबसे पहले तो पॉइंट हटा दे रहे, जो भी है तुम जैसे हिसाब से देख लो, इसका आंसर आएगा 0.057, लगभग लगभग यही आएगा 0.057 मीटर। चेक कर लेना है ना एक बार, शायद पॉइंट में कुछ अगर हो सकता है इधर ऊपर नीचे। नाउ सेकंड केस, यहां पे वही कि जो वीपी पी डैश की बात करेंगे तो यहां जीरो होगा, तो उसके लिए क्या वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू जीरो, वही वी ए इज इक्वल टू माइनस वी बी। अब वही करेंगे अपन यहां पे के क्यू बाई आर, ठीक है ना, तो इसके लिए हो जाएगा मेरे पास में क्या, देख लो के और क्यू की वैल्यू कितनी मेरे पास में, 4 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई आर, तो ये डिस्टेंस इस चार्ज में कितनी है एक्स डैश इक्वल टू के क्यू, ये तो माइनस लगा लेता हूं एक, ये के और फिर क्यू, तो क्यू कितना −3 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई आर, आर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो ये मेरे पास में कितनी एक्स डैश −0.1। तो देखो ये के से ये के कैंसिल आउट, 10⁻⁹ से 10⁻⁹ कैंसिल आउट, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास में 4x - 0.4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास में देख लो कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में कितना 3x-। बोलो क्लियर है यहां तक। अब क्या करें, इसको उधर शिफ्ट कर दे, इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 4x- में से 3x- चले जाएंगे, पीछे बचेगा x- इज इक्वल टू 0.4 मीटर। तो ये कहां से डिस्टेंस है, ये इस मतलब 4 नैनोकूलम चार्ज से डिस्टेंसेज है। अगर आपको इससे चाहिए तो क्या करो 0.1 में से x माइनस कर दो, और इसके लिए चाहिए तो x डैश में से क्या करो 0.1 को माइनस कर लो। क्लियर है यहां तक। तो ये था एक एग्जांपल, सो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। सो इसके बारे में भी हम जो है वो पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक डायपोल वापस बता देता हूँ, होता क्या है कि एक तरह से क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस होता है जिसके अंदर दो चार्ज होते हैं और दोनों ही क्या होता है सेम मैग्नीट्यूड के, बट क्या होते हैं अपोजिट काइंड के होते हैं, यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। और इलेक्ट्रिक डायपोल की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो कहाँ होती है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। और ये जो सिस्टम है वो कहाँ पाया जाता है, मेनली मॉलिक्यूल्स के अंदर पाया जाता है जिनके जो बीच में डिस्टेंस क्या होती है बहुत ही मतलब बहुत ही कम होती है, अरे वास्तव में बहुत ज्यादा कम, लगभग हम बात करते हैं माइक्रोमीटर नैनोमीटर के अंदर, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस जो है वो क्या होती है कम होती है, और कन्वेंशनली अपन इसके डिस्टेंस को इस सेंटर से लेते हैं ये ए और ये वाली कितनी भी ए, तो टोटल कितनी हो गई 2a। तो ये मैं बता चुका हूं पहले। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है मुझे इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो मैंने क्या किया कि यहां पर कोई एक पॉइंट सेलेक्ट किया, ये पी पॉइंट, और ये देखो कितना हो जाएगा, इसको मैं यहां से पहले ज्वाइन कर लेता हूं एक तो आर, और देखो ये किस एंगल पे है, थीटा एंगल पे है ये थीटा एंगल, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए आर कॉमा थीटा। क्लियर। अब मैं क्या करता हूं इसको यहां से ज्वाइन कर लेता हूं और इसको भी यहां से ज्वाइन कर लेता हूं। क्लियर। अब यहां पे जो है वो मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करता हूं हल्का सा, ये जो लाइन है इसको मैं हल्का सा पीछे बढ़ाता हूं, ये मैंने यहां तक बढ़ाया। अब फिर मैं क्या कर रहा हूं यहां से एक नॉर्मल डालता हूं इस पे, ये नॉर्मल, तो और इस तरीके से यहां से भी एक नॉर्मल डालता हूं यहां पे। क्लियर है। सो ये पॉइंट हो गया मेरे पास में, इनको पॉइंट भी दे देते हैं, ये ए हो गया, ये पॉइंट मेरे पास में बी हो गया, और इसको मान लेते हैं हम एम मान लेते हैं, और इसको हम एन मान लेते हैं, और ये सेंटर मेरे पास में क्या ओ। क्लियर। डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो मेरे पास में कितने चार्ज है, एक ये चार्ज और एक ये चार्ज, मतलब इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है मेरे पास में आर, ये वाली डिस्टेंस है कितनी आर वन, और ये डिस्टेंस है कितनी आर। क्लियर। तो चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट
एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ध्यान से देखना, तो फॉर्मूला क्या आएगा, वी इज, इसको मैं वी वन दे देता हूं, ठीक है, यह आ जाएगा मेरे पास में के क्यू बाई आर, यानी मतलब क्या आर वन, इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब प्लस क्यू चार्ज से क्या होगा, तो वी टू इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर टू, ठीक है। तो अब मेरे पास में कहता हूं मैं द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, सो वो होगा मेरे पास में वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, क्लियर। अब वैल्यू रखते हैं यहां पे, सो वी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास में के माइनस क्यू अपॉन आर वन प्लस के क्यू अपॉन आर टू। तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं यहां से, सो वी इज इक्वल टू के क्यू को मैंने कॉमन ले लिया, तो इसको पहले ले लेता हूं, इसको बाद में ले लेता हूं, बिकॉज ये माइनस है इसलिए, तो ये हो जाएगा वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन, क्लियर। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, तो वी इज इक्वल टू के क्यू आर वन माइनस आर टू डिवाइडेड बाई आर वन आर टू। अभी आंसर नहीं आया, ध्यान रखना, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, मुझे किस किस की जरूरत है, एक तो आर वन चाहिए और एक आर टू चाहिए, इनको मुझे निकालना। अब मैं यहां पे कैलकुलेट करने जा रहा हूं आर वन और आर टू को, तो ध्यान से देखना कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। अगर मैं आपसे पूछूं या थोड़ा सा मैं कन्वेंशनली यहाँ पे ले चल, मतलब यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कन्वेंशनली, वो ये है कि R इज ग्रेटर देन E, क्लियर। मैंने माना कि डिस्टेंस जो है वो कितनी है, बहुत ज्यादा है इस A के कंपैरिजन में, तो देखो क्या होगा, अगर बेसिकली मैं आपको बताऊं तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल की बहुत ही छोटी होती है। अगर मैं इसको दूर से भी देखूं तो ये पॉइंट और ये, मतलब दोनों पास बिल्कुल ही बहुत ही पास में दिखते हैं, आई बात समझ में, क्योंकि इनके बीच के डिस्टेंस माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम के अंदर होती है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि इफ आर इज ग्रेटर देन ए, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो एपी है वो लगभग इस एमपी के इक्वल है। देखो ये एपी और ये एमपी दोनों क्या होंगे, लगभग एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एपी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल पी एम, एंड इस तरीके से देखो ये पी एन इज अप्रोक्सीमेट इक्वल किसके, पी बी के, तो यहां पर यही लिख सकता हूं मैं कि पी बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू पी एन, बोलो क्लियर है तक, आगे बढ़ा जाए। चलो अब मैं क्या करता हूं, इस ट्राइंगल को लेता हूं, ये वाला ट्राइंगल कौन सा, ओ बी एन, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ बी एन, इन ट्राइंगल ओ बी एन, ध्यान से देखो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस, तो पीछे बची क्या, ये मेरे पास में क्या है बेस, तो इसका मतलब मुझे ये निकालनी है OM, तो OM निकालने के लिए मैं क्या लगूंगा, cos थीटा लगूंगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है मेरे पास में OM, हाइपोटेनस है मेरे पास में क्या OB, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, सो OM इज इक्वल टू OB, क्या मेरे पास में ये रहा OB, OB क्या है A, तो OM मेरे पास में क्या निकल के आया, A cos थीटा, क्लियर। इस तरीके से नीचे वाले ट्राइंगल में भी चल जाए अपन, ये वाला ट्राइंगल में ओ ए एम में, इन ट्राइंगल ओ ए एम सेम, यहां पे मुझे जो है ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये मेरे पास में हो जाएगा, यहां पे भी क्या लगेगा, कॉस थीटा लगेगा, तो कॉस थीटा वही 90 डिग्री के सामने वाली क्या हो गई, हाइपोटेनस, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही तो होगा, बिकॉज क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो ये थीटा तो ये भी थीटा, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस, तो पीछे बची बेस, तो मेरे पास में कॉस थीटा हो जाएगा ओ एम अपॉन हाइपोटेनस, क्या है मेरे पास में ओ ए, और ओ ए की वैल्यू क्या है, ए है, इसको शिफ्ट कर देता है, तो मेरे पास में ओ एम आ जाएगा ए कॉस थीटा, ये मेरे पास में दो वैल्यूज आ गए, क्लियर। अब अगर मैं बात करूं इस आर वन की, है ना, मतलब अगर मुझे एपी चाहिए, यानी क्या चाहिए, आर वन चाहिए, तो क्या ये कुछ इसी तरीके से होगा, देखो पेन भी नहीं चल रहा है, अगर मैं बात करूं एपी की, तो एपी लगभग किसके इक्वल है, इसके इक्वल ही तो है, और ये क्या है, देख लो मेरे पास में ओपी प्लस ओएन, मैंने माना ना कि एपी लगभग इसके इक्वल है, तो एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये ओपी प्लस ओएन, तो ओपी प्लस ओएन, सो एपी मेरे पास में क्या है आर वन, और ओपी क्या है मेरे पास में आर प्लस ओएन, ये अभी मैंने जो निकाला, सॉरी
ओ एम, ओ एन नहीं ओ एम, अरे नहीं एक मिनट, हाँ ओ एम ही होगा, बिल्कुल सही है ओ एम। सो ओ एम मेरे पास में कितना है, ए कॉस थीटा, इसको हटा देता हूँ, ए कॉस थीटा। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, इसको यहाँ से रन कर देता हूँ, ये मेरे पास में बात करता हूँ इसकी पी बी की, तो पी बी देखो कैसे निकलेगा, पी बी किसके इक्वल है, लगभग पी एन के इक्वल है। तो क्या मैं इस पूरे में से इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास में ये मिल जाएगा, आगे बात समझ में, पी बी किसके इक्वल है, पी एन के इक्वल है ना, देख लो ये रहा पी बी लगभग पी एन के इक्वल है, तो पी बी अगर मुझे निकालना है और ये इसके इक्वल है, तो क्या मैं इस पी ओ या ओपी में से इस ओ एम को माइनस कर दूं तो मेरे पास में ये लेंथ आ जाएगी, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा मेरे पास में ओ पी माइनस ओ एम, सो ये पी बी क्या मेरे पास में आर टू, ये हो जाएगा मेरे पास में आर, और ओपी ओ से पी, ये क्या मेरे पास में आर, और ओ एम क्या है ए कॉस थीटा। तो देखो थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा सा है, मतलब कैसे कि आर वन की वैल्यू तो क्या है आर प्लस ए कॉस थीटा, आर टू की वैल्यू क्या है आर माइनस ए कॉस थीटा, तो थोड़ा सा याद रखना भी इजी है, क्लियर। अब ये दोनों वैल्यू क्या करता हूं मैं यहां पे पुट कर देता हूं, ठीक है ना। सो मेरे पास में देखो क्या आएगी वैल्यू, सो वी इज इक्वल टू के क्यू, के क्यू आर वन, आर वन की जगह तो ये आ जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा, फिर माइनस आर टू, आर टू की वैल्यू ये है तो ये आर, और देखो बार माइनस है तो ये इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, सो ये हो जाएगा मेरे पास में ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर प्लस ए कॉस थीटा आर माइनस ए कॉस थीटा। तो देखो ये आर से ये आर कैंसिल आउट, सो वी इज इक्वल टू के क्यू ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा, ये मिलके मेरे पास में हो गया टू ए कॉस थीटा, क्लियर। नीचे देखो आइडेंटिटी लगा ले a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा मेरे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो क्लियर है। अब एक चीज ध्यान रखना, हम जानते हैं क्या कि p इज इक्वल टू क्या होता है q इंटू ए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यही तो पढ़ा था हमने p इज इक्वल टू q इंटू टू ए, तो q इंटू टू ए की जगह क्या जाएगा मेरे पास में p आ जाएगा, और यही कि जो मैंने अभी माना था कि r इज ग्रेटर देन a, तो इसका मतलब r स्क्वायर भी क्या होगा बहुत ज्यादा होगा a स्क्वायर से, तो ये वैल्यू लगभग क्या हो जाएगी मेरे पास में जीरो के इक्वल हो जाएगी, बोलो क्लियर है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में लगभग जीरो के इक्वल हो जाएगी, तो देखो मेरे पास में अब बी का फॉर्मूला क्या निकल के आया, तो ये तो के क्यू इंटू टू ए की जगह से क्या आ जाएगा पी, और नीचे क्या बच गया आर स्क्वायर और फिर कॉस थीटा, ये है मेरे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला एट पॉइंट पी, ठीक है। इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस तरीके से निकलता है। अब वही कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, एक तो एक्सियल लाइन पे निकाला था, एक इक्विटोरियल लाइन पे निकाला था, तो यहां पे भी हम जो है वो केस ले सकते हैं। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, इसके अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो देखो कुछ इस तरीके से होगी, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, तो देखो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, सो के पी अपॉन आर स्क्वायर और फिर ये कॉस थीटा, और डायरेक्शन लेंगे, डायरेक्शन क्या आएगी मेरे पास में आर कैप, सो वही वी इज इक्वल टू के पी, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या लिख सकता हूँ वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड आर, और वो मैग्नीट्यूड आर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड आर, यही तो होगा, चलो वेक्टर लगा ही लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। और ये देखो क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, सो वी इज इक्वल टू के पी डॉट आर डिवाइडेड बाई आर क्यू, ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है। देखो कुछ नहीं किया है, इस आर कैप की जगह वैल्यू रख ली, और हमें पता है कि कॉस थीटा में क्या होता है डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसका मतलब पी और आर का डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा, तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे क्या आएगा पी आर कॉस थीटा, क्लियर है यहां तक। सो ये है फॉर्मूला किसका, वेक्टर फॉर्म में। सो अब बात करते हैं इसके केस की, देखो यहां पर कुछ केस भी निकलते हैं। अगर मैं बात करूं इसके एक्सियल लाइन पे, तो एक्सियल लाइन पर अगर मान लो ये पॉइंट यहां हो जाए P, तो देखो एंगल कितना हो गया इनके बीच में जीरो डिग्री, तो जैसे ही आप यहां जीरो रखोगे तो KP बाई आर स्क्वायर, आगे बात समझ में, यहां लिख लू मैं साइड में, यहां साइड में लिख लेता हूं मैं, ठीक है ना। इफ इफ
थीटा इज इक्वल टू जीरो, मतलब वो कहां पे एक्सिस पे, एट एक्सिस, एट एक्सिस। तो यहां पे जैसे जीरो रखूंगा मेरे पास में आ जाएगा v इज इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर। एंड नाउ इफ थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब एट नॉर्मल, एट नॉर्मल, नॉर्मल मतलब वही परपेंडिकुलर। तो जैसे यहां पे लिखूंगा मैं कितना 90, तो cos 90 कितना जीरो, सो v इज इक्वल टू कितना जीरो। तो ये चीज दिमाग में रखना कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होती है। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सो एट इक्वेटोरियल या नॉर्मल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। आगे बात समझ में, सो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम जो है वो एक एग्जांपल करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उससे रिलेटेड। तो देखो आपको दे रखा है कि 2 चार्जेस 8×10⁻¹⁹ कूलम एंड −8×10⁻¹⁹ कूलम आर एट दिस डिस्टेंस। तो मतलब दो चार्जेस मुझे दे रखे हैं, यानी कुछ इस तरीके से, एक यहां है और एक यहां है। मान लो यह है कितना 8×10⁻¹⁹ कूलम और यह है मेरे पास में 8×10⁻¹⁹ कूलम। यह पॉजिटिव है और यह निगेटिव है और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2×10⁻¹⁰ मीटर, ये आपको दे रखी है। अब बोला है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द डिस्टेंस 4×10⁻¹⁶ मीटर। तो ये आपको किसकी वैल्यू दे दी, आर की वैल्यू दे दी, कितनी 4×10⁻¹⁶ मीटर फ्रॉम द डायपोल व्हेन द पॉइंट, ये तीन क्वेश्चन है अब, इज एट द एक्सिस ऑफ डायपोल। अब पॉइंट का है एक्सिस पे, तो इसका मतलब मेरे पास में जो है सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो क्या होता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। सो P इज इक्वल टू क्यू, क्यू कितना है मेरे पास में, ये रहा 8×10⁻¹⁹ कूलम। नाउ 2a मतलब इनके बीच की डिस्टेंस वो कितनी दे रखी है मुझे 2×10⁻¹⁰, ये दे रखी है। सॉल्व करते हैं इसको, सो P इज इक्वल टू 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16×10⁻¹⁹ और इसकी यूनिट क्या होती है कूलम इंटू मीटर। तो ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो आ चुका है। अब बात करते हैं पहले केस की, तो फर्स्ट क्या है एट द एक्सिस, तो इसका मतलब थीटा कितना मेरे पास में जीरो और फॉर्मूला क्या निकल गया था v इज इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर। सो v इक्वल टू के की वैल्यू 9×10⁻¹⁹, P की वैल्यू ये निकल के आई मेरे पास में 16×10⁻¹⁹ एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर दे रखा आपको ये रहा, सो ये मेरे पास में 4×10⁻¹⁶ का होल स्क्वायर। क्लियर? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आंसर निकल जाएगा 9×10⁻¹⁹ वोल्ट। क्लियर यहां तक? नाउ सेकंड, सेकंड क्या बोल रहा है, इज एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, थीटा कितना 90 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास में kp बाई आर स्क्वायर cos 90 और cos 90 कितना होता है जीरो। तो ये आंसर तो आपको बहुत इजीली निकल गया। तो इक्वेटोरियल लाइन बोले आंसर हमेशा कितना जीरो, ठीक है 90 डिग्री पर हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है जीरो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। नाउ नेक्स्ट इज एट 60 डिग्री, यहां पे थर्ड में आपको एंगल दिया है कितना 60 डिग्री, सो वही v इज इक्वल टू kp बाई आर स्क्वायर cos 60। तो v इज इक्वल टू k की वैल्यू 9×10⁻¹⁹, p की वैल्यू अभी हमने निकाली है 16×10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर यानी 4×10⁻¹⁹ का होल स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 4.5×10⁻¹⁸ वोल्ट, −8 वोल्ट। सो ये थे हमारे अलग अलग केस, ठीक है ना, कि जो मेरे पास में इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसके कारण क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। सो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम जो है वो कुछ और आगे स्टडी करेंगे, यानी हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? और हम ये भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को ज्यादा से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।